वीरा, कभी तो अपने अलावा किसी दूसरे का एहसास कर लिया करो, कभी सोच लिया करो दूसरे के बारे में। अरे, इंसान मौका महल देखकर ही थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेता, लेकिन तुम। अब मैंने क्या किया? तुम्हें क्या जरूरत थी अनीसा भाभी के लाए हुए सामान को इस तरह से रिजेक्ट करने की? तो उन्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए सारा कचरा जमा करने की? क्या मुझे वो शॉपिंग पे साथ में ले जा सकती थी? अच्छे तरीके से जानती है कि मैं अपनी शॉपिंग करना खुद पसंद करती हूँ। आज तक मैंने आपकी पसंद की कोई चीज पहनी है? अबीरा, खुदा का खौफ करो, अनीसा भाभी तुम्हारी होने वाली सास है। अनबिलीवेबल, आप अपनी बेटी की साइड लेने की बजाय उसके ससुराल वालों को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, मैं उनकी फेवर करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह से अहमक नहीं हूं और तुम्हारी पसंद अच्छी तरह से जानती हूं मैं। तुम्हें ज्वेलरी लेने के लिए लेकर गए थे ना, और तुमने क्या हरकत की वहां पर, उसकी वजह से मैं आज तक शुजा भाई के सामने नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, तुम्हारी वजह से। Oh my God, ये अच्छा तरीका है। पहले इसरार करो कि हम ज्वेलरी खुद दिलाएंगे, और अगर ज्वेलरी जरा सी महंगी हो तो माइनर इनकन्वीनियंस और उसका फड्डा बना लिया। Why? मुझे लगता है मुझे मोहित को जाके बताना पड़ता। खबरदार जो तुमने मुझसे कोई भी बात की तो। अबीरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी कि तुम ऐसी हरकतें करोगी। बेटा, तुम्हें जरा बराबर भी एहसास है कि इस तरह की बातें सारी जिंदगी दिलों में नक्श हो जाती हैं और फिर वो दिलों से कभी नहीं निकलती। बेटा, वैसे एक लिहाज से सबरीना तुमसे हजार दर्जे बेहतर है। अरे, उसने मुझे कभी जिंदगी में शिकायत का मौका नहीं दिया। उसे कोई भी चीज लाके दे दो, वो आराम से कुल से पहन लेती है, कभी शिकायत नहीं करती, एक लफ्ज नहीं कहती। और तुम, मुझे आइंदा के बाद सबरीना से कंपेयर मत कीजिएगा। मैं आपकी सगी औलाद हूं, आपके और मेरे उसके ऊपर बहुत एहसानात है। उसने मेरी उतरन पहनी है, आपने उसे घर में जगह दी है। सोचे यहां इतना दंदन आती फिरती है, अगर अपनी माँ के घर में होती तो क्या करती? वीरा, देखो तुम बस, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर आपने मुझे सबरीना से आना के बाद कंपेयर किया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी।